अजी अब ये चाय पी लो, सुबह से शाम तक अखबार में आंखें गड़ाए रहते हो, मुझसे तो ये मरा अखबार अच्छा है। ये कैसे हो सकता है पद्मा, अखबार तो रोज नया आ जाता है और तुम तो। हाँ हाँ बोलो बोलो, पुरानी हो चुकी हूँ। मर्दों की कितनी भी उम्र हो जाए पर वो, अरे ये पोस्टमैन है, आज इतवार के दिन। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते खुदा, आपका तार। किसका तार है? कैसी खबर है जी? तुम्हारा मुंह क्यों उतर गया? लो, खुद ही पढ़ लो। ये तो अर्जुन का तार है, वो कल आ रहा है। हाँ। फिर तुमने ऐसा मुंह क्यों बना लिया था? तुम्हारे चेहरे पे घबराहट बहुत प्यारी लगती है। सच्ची, तुम भी ऐसा मजाक करते हो, दूसरे का दिल बिठा देते हो। मेरे गुण बाद में गा लेना, पहले गीता को खबर कर दो, वो खुश हो जाएगी। तुम सच कह रहे हो, वो बेचारी हमेशा अर्जुन के आने की घड़ियां गिनती रहती है। गीता, ओ गीता। हाँ मौसी। रसोई में क्या कर रही थी? पकौड़ियां तल रही थी। मौसम बहुत अच्छा है ना, तो सोचा चाय के साथ साथ गरम गरम पकौड़ियां, मौसा जी को बहुत पसंद है ना। मुझे क्यों बुलाया था? अर्जुन आ रहा है। अर्जुन आ रहा है, अर्जुन आ रहा है। कितने बजे आ रहा है? उसकी गाड़ी कब आ रही है? कल सुबह की गाड़ी से, ये देखो। अरे क्या हुआ? पकौड़ियां जल गई। बड़ी प्यारी बच्ची। तभी तो कहती हूँ इस बार अपने बेटे को शादी के लिए मना लेना, गीता को बहू बनाने का मेरा परसों का अरमान पूरा हो जाएगा। भगवान तुझे लंबी उम्र दे बेटा। इस बार तो बहुत लंबा इंतजार करवाया, दो साल के बाद आया। इस बार तो लंबी छुट्टी लेकर आए हो ना? यूं ही समझो। माँ तू ठीक तो है? हम बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर तुझे क्या हो गया? क्या हुआ? आज तूने ये नहीं कहा कि मैं आगे से दुबला हो गया हूँ, खाता पीता नहीं हूँ, अपना ख्याल नहीं रखता। शरारती कहीं का। माँ ये लड़की गीता पागल हो गई क्या? क्या तुमने मुझे पागल कहा? I'm sorry, भूल गया था।
बचपन में पढ़ा था कि पागल को पागल नहीं कहना चाहिए, वरना फिर पत्थर मारेगी। देखो देखो मौसी जी, अभी जनाब घर भी नहीं पहुंचे और स्टेशन पर ही झगड़ा शुरू कर दिया। तो घर चल कर कर लेते हैं, वरना मैं क्या सारा शहर जान जाएगा कि तू पागल है। अरे नहीं, चल चल चल। भैया जी आ गए। अरे भैया जी आ गए। पाई लागू भैया जी, पाई लागू, पाई लागू। तू तो वैसा का वैसा है मोहन। नहीं, तेरी चोटी को क्या हुआ? भैया जी उसे काट कर हमने जेब में रख ली, सब लोग हमें चोटी चोटी कह के पुकार। आओ बेटे अर्जुन, अंदर चल के बात। हाँ, चलो आओ मां। और सुनाओ बेटे, सब खैरियत तो है ना? जी भाई, तुम्हारा सामान देख के ऐसा लगा जैसे इस बार तुम काफी लंबी छुट्टी पर आए हो। पिताजी, अब मैं यहाँ हमेशा के लिए आ गया हूँ। हमेशा के लिए? जी। और तुम्हारी पुलिस की नौकरी? मैंने इस्तीफा दे दिया है। कोई खास वजह? पिताजी, मेरी जहां पोस्टिंग थी वहां सोना स्मगल किया जाता था। मुझे शुरू से शक था कि इसके पीछे स्मगलर्स का नहीं, किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ है। मुझे तुम्हारी गाड़ी की तलाशी लेनी है। क्यों? मुझे शक है इसमें स्मगलिंग का सोना मौजूद है। राम 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 राम। आप एक चीफ मिनिस्टर के बेटे पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? डीसीपी साहब, आपको नहीं, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। आप पहले गाड़ी की तलाशी लेकर अपनी तसल्ली कर लीजिए। ले ली तलाशी? कुछ नहीं मिला ना? मिलता भी कैसे, क्योंकि आपका मकसद अपने चर्चे उछालना है। चीफ मिनिस्टर की गाड़ी की तलाशी लेकर अपना नाम और फोटो अखबारों में छपवाना है। हम खूब जानते हैं आपको और आपकी ईमानदारी के इस ढोंग को। आपकी ईमानदारी की रिपोर्ट हम आईजी साहब को जरूर देंगे। ये डीसीपी तो अपनी ईमानदारी का खजाना लेकर गया, पर अपना खजाना किधर है बेटे? खजाना भी है, पूरी हिफाजत के साथ रखा है। किधर? मेरी ईमानदारी की रिपोर्ट आईजी साहब को जरूर देना मिनिस्टर साहब। अर्जुन सिंह, तुमने बहुत अच्छा किया जो सीधा मेरे पास चले आए। अब तुम देखना कि मैं उस मिनिस्टर साहब की क्या हालत बनाता हूं। नमस्कार। नमस्कार। Oh,
बहुत बहुत धन्यवाद आईडी साहब। ये क्या है? तुम्हारा ट्रांसफर लेटर। मगर क्यों? जरूरी नहीं है कि ट्रांसफर के लिए कोई वजह हो। जरूरी है। मैं जानता हूं मेरा यहां से ट्रांसफर किस लिए किया जा रहा है, ताकि स्मगलिंग वाले केस पर पर्दा डालकर चीफ मिनिस्टर और उसके बेटे को बचा लिया जाए। तुम चीफ मिनिस्टर उसके बेटे पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि उन लोगों का स्मगलिंग से कोई ताल्लुक है? ओ, समझा, तो तुम भी उनके साथ शामिल हो। कितनी दलाली खाते हो, 10%, 15%, 20%। अर्जुन सिंह, मैं तुम्हें इनडिसिप्लिन और अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठाने के इल्जाम में सस्पेंड करता हूं। तुम क्या मुझे सस्पेंड करोगे? तुम जैसे बेईमान अफसरों को मैं ऐसे मौके ही नहीं देता, इसलिए चेयर में हमेशा अपना इस्तीफा लिए फिरता हूं। जब तक तुम जैसे रिश्वतखोर पुलिस में नौकरी करते रहेंगे, इस देश का उद्धार नहीं होगा। शाबाश अर्जुन, अरे मुझे तुम पर फख्र है बेटे। लानत भेजो ऐसी नौकरी पर जहां इंसान को ऊपर वाले से डर के नहीं बल्कि अपने ऊपर वाले से डर के काम करने की जरूरत पड़े। हाँ। फिर तुम्हें काम करने की क्या जरूरत पड़ी है बेटे? अपने घर में आराम से रहो, जमीन जायदाद की देखभाल करो, मेरा हाथ बटाओ। अर्जुन, तुम्हारे लौटने की मुझे बेहद खुशी है बेटे, बेहद। और मुझे भी। आज के जमाने में ईमानदार होना भी तो बहुत बड़ी मुसीबत है, और ऊपर से इसका गर्म मिजाज। मेरा तो कलेजा हमेशा मुंह में आया रहता था। बड़ा अच्छा किया बेटे जो घर चले आए। बहुत अच्छा किया। अब यहाँ रहकर अपने माँ बाप की सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। आखिर बेटे होते किस लिए? मैंने ठीक कहा ना मौसी? बिल्कुल ठीक कहा बेटी। माँ, तूने इसे इतना सर पे चढ़ा रखा है, इसकी अकल घास चरने चली गई है। इसके दिमाग में कोई ढंग की बात आती नहीं। लो, ढंग की बात आएगी कैसे? दिमाग में तो तुम ही। मुझे बाहों में भर के देख ले, कहे मेरी जवानी है।
मुझमें वो बात नहीं। इतना बड़ा ये झूठ भला मैं कैसे कर दूं यकीन। दिल जो आ जा रहा है प्यार कहलाता है। बड़ा बेदर्दी है बड़ा शर्माता है। होश नहीं रहा तुझे जब से दिन छू लिया होगी पानी पानी। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम नहीं चलोगी, गाड़ी से उतरो। नहीं उतरूंगी। गीता, हर बात में जिद अच्छी नहीं होती। मैं अपने यार किशन से मिलने जा रहा हूँ। तुम किशन से मिलने जा रहे हो? हाँ, इसमें हैरानी की क्या बात है? अर्जुन, इन पिछले 2 वर्षों में ये शहर बहुत बदल गया है। अब ये वो शहर नहीं रहा जो तुम छोड़कर गए थे। मगर इस बात का किशन से क्या ताल्लुक है? किशन इसी बदलाव का शिकार है। अब वो 2400 घंटे शराब के नशे में धुत रहता है। क्या? किशन और शराब? नहीं। ए किशन, शराब पिएगा? नहारे। Thank you.
किशन 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 पहचाना मुझे? पहचाना भाई, खूब पहचाना। शराबी अगर अपने दोस्त को नहीं पहचानेगा तो शराब बदनाम हो जाएगी। तू अर्जुन है, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा यार। ये तूने क्या हालत बना ली है, तुझे क्या हो गया है? बताता हूँ तुझको, मैं सब बताता हूँ। पहले मुझे अपना गला तर कर लेने दे। बस कर, बस कर। बस नहीं कर सकता रे। ये शराब ही तो एक ऐसी चीज है जिसके सहारे में जिंदा। शराब चीज ही ऐसी है जो ना छोड़ी जाए। ये मेरे मेरे यार की जैसी है जो ना छोड़ी जाए। अर्जुन, तू तो शराब से नफरत करता था, फिर तुझे क्या हो गया? मैं क्या बताऊं अर्जुन, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। कैसा धोखा? धोखा ये हुआ कि हम तो समझे थे कि बरसात में बरसेगी शराब। आई बरसात, बरसात ने दिल तोड़ दिया। एवरीबॉडी बैठो। डैड, जिस आदमी ने हमारे, तुम्हें कायदे कानून का ख्याल क्यों नहीं रहता? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हें तब बोलना चाहिए जब तुम्हारी बारी आए। लेकिन डैड वो, नाउ शट अप। यस अंकल, दिवाली नजदीक आ रही है इसलिए लोग जुआ खेलने भी ज्यादा आ रहे हैं। इस बार 3 coins की आमदनी पिछले हफ्ते से ठीक दुगनी हुई है। तब तो तुम्हें और कार्ड शार्पर्स की जरूरत होगी। जी हाँ, हमने 10 पत्ते लगाने वाले और हायर कर लिए हैं, वो सब आज शाम को ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। एक्सीलेंट। हमने हमारे होटल मस्ती के लिए 20 और लड़कियां खरीद ली हैं डैड। ये सब के सब खूबसूरत और नाबालिग। इन्होंने हमें लिखकर दे दिया है कि वो ये पेशा अपनी मर्जी से अपना रहे हैं, और हमने डॉक्टर से उनकी उम्र के झूठे सर्टिफिकेट भी बनवा लिए। उमेश, तुमने प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं बोला। ये लड़कियां हमारे प्रॉफिट्स को बरकरार रखने के काम आएंगी डैड, यानी कि हमारे शरीफ और इन्फ्लुएंशियल कनेक्शंस को खुश रखेंगे। डैड, हमने अपने रंगीन बार में कैबरे करने के लिए 10 लड़कियां और हायर कर ली। अब शाम के 7 बजे से सुबह के 3 बजे तक 5 शो हुआ करेंगे। इससे हमें 40% प्रॉफिट इंक्रीज तो होना ही चाहिए। बहुत अच्छे डैड, मैखाना मार के जो प्रॉफिट। एक मिनट, पहले ये बताओ कि मैखाना बार में तुम लोगों का किस हरामखोर से झगड़ा हुआ है? किस कमजर्फ ने महेश हीरा के वारिसों पर हाथ उठाने की जुर्रत की? डैड, वो हरामखोर कौन था मुझे मालूम नहीं। लगता कोई नया आदमी था, लेकिन डैड मैंने उसे, सर शर्मा और मिश्रा आपसे मिलना चाहते, उन्हें अंदर भेज दो। नमस्ते। वेलकम मिश्रा, वेलकम। बोलो। अजी ये गुलाम क्या बोलेगा, एक छोटी सी अर्ज है। मैंने उस आदमी का पता लगा लिया है जिसने आपके साहबजादों की पिटाई की थी। मेरा मतलब है जिसने इनसे झगड़ा किया था। हुजूर, वो ठाकुर सुजान सिंह का बेटा
अर्जुन सिंह है, सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर, इसलिए वो ज्यादा खार खा के बैठा हुआ है। माई बाप, अगर आप इशारा कर दें तो मैं उस हराम खोर के होश ठिकाने लगा दूं। नहीं शर्मा, बोलो। तुम और मिश्रा कुछ नहीं करोगे, हम अपना बदला खुद देते हैं। बस आप लोग सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि आगे कोई भी कानूनी कार्रवाई ना होने पाए। ये कहकर आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं उमेश बाबू। जब तक मेरा यहां से ट्रांसफर नहीं होता तब तक सारा पुलिस डिपार्टमेंट 2400 घंटे आपकी खिदमत में हाजिर है। तुम्हारा ट्रांसफर नहीं होगा मिश्रा। सुबह मेरे बेटे दिनेश का यहाँ फोन आया था। उसने होम मिनिस्टर के कुछ आला अफसरों को अपने यहाँ दावत देकर तुम्हारा ट्रांसफर रद्द करवा दिया है। वाह माई बाप वाह, इसे कहते हैं ताकत। लोग तो खामखा कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं। हाथ तो हजूर आपके लंबे हैं, हिलते हैं यहाँ और बाजी खेली जाती है दिल्ली में। ए, कैसा गाड़ी चलाता है? पहचाना? ए बंसी तू? अरे पहचान गया मेरा दोस्त मुझे, पहचान गया। अरे तू है किधर? कब आया तू? कुछ दिन हो गए। मुझे खबर तक नहीं की। बड़ा जालिम आदमी है यार तू। पता है कॉलेज के दिनों में मैं तेरा सबसे बड़ा चमचा, हाँ चमचा हुआ करता था, और अब तू मिलने का नाम तक नहीं लेता यार। अरे आज तू बरसों बाद अपने जिगरी दोस्त बंसीलाल पटवारी से मिला है, चल कहीं जाके पीते हैं, चलना यार। पहले ही काफी पिया हुआ है, और पीना चाहता है क्या? तो क्या हुआ? अरे जीना इसी का नाम है दोस्त। इस शहर को हो क्या गया है? जिसे देखो शराब के अलावा कोई बात ही नहीं करता। कैसे करेगा, कैसे करेगा? सुन, जैसे अंग्रेजों ने इस मुल्क में जब अपना चाय का कारोबार शुरू किया तो उन्होंने लोगों को मुफ्त में चाय बांटी, जितनी चाय पियो जब चाय पियो। नतीजा हम अंग्रेजों के गुलाम तो थे, चाय के भी गुलाम हो गए। उसी तरह महेश हीरा ने जब इस शहर में नया कारोबार शुरू किया ना, तो उसने सबको मुफ्त में शराब पिलाई, जब चाहे पियो जितनी चाहे पियो, और नतीजा तो तेरे सामने खड़ा है। हाँ इसलिए। चलना यार कहीं चल के पीते हैं, पुरानी बातें करेंगे यार, पुरानी याद ताजा करेंगे, चलना यार। चलते हैं, चलते हैं। मेरी गाड़ी में। तेरी तेरी गाड़ी में? अच्छा चल। चलो चलो यार, ये रही यही महेश हीरा की जन्नत है जहाँ हमारी शामें रंगीन होंगी। तू वहाँ क्यों खड़ा है यार? बहुत याद आ रही थी। अरे अपन आदमी ऐसे हैं, एक बार कोई मिल ले ना तो भी नहीं भूलता। मेरा दोस्त है। अरे अर्जुन मैं क्या सर कमरेबल हाँ दोनों भाई। ये सर एक ऑरेंज जूस। ओके सर। Thank you.
उस दिन की मार भूल गए क्या? बेटा कैसा है डॉक्टर साहब? जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कर सकते। ठाकुर साहब, वारदात के वक्त अर्जुन सिंह कहां था या किसी से मिला था, कुछ मालूम है आपको? डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जब पेशेंट को भर्ती किया तो उसके मुंह से शराब की बास आ रही थी। शराब की बास आ रही थी या नहीं आ रही थी, ये बात जानना जरूरी? अरे तुम इस बात की छानबीन करो कि अर्जुन पर हमला करने वाले वो खूनी दरिंदे कौन थे। हम अपने तरीके से छानबीन कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। मिश्रा, तू कैसी छानबीन करता उसको सारा शहर जानता है, समझा? तेरे बाप का गला यहां तक भर चुका है, तेरा अंत आने वाला है, समझ गया ना? इससे पहले कि मेरा भेजा घूम जाए और मैं इसका थोपड़ा तोड़ दूं, तो संभाल ले इसे, संभाल ले। एक मिनट। हाँ? एक मिनट इधर आना, एक मिनट। हाँ इधर आ। ठाकुर साहब, मैं जब तक इस मामले की तह तक नहीं पहुंच जाऊंगा आराम से नहीं बैठूंगा। मुजरिम को उसके जुर्म की सजा मिलनी ही चाहिए, कानून कानून होता है, कोई मजाक नहीं होता। किशन, लगता है कि आज तुम्हें दारू नहीं मिली इसलिए तुम्हारा हलक सूख गया है और जबान को ज्यादा ही चलने लग गई है। ये लो, लो शराब पी लेना। शर्मा, मैं शराब जरूर पीता हूं लेकिन तुम लोगों की तरह आदमियों का लहू नहीं पीता। बेटे, अर्जुन बेटे। रामलाल जी, माई बाप, इस बार तुम्हारी भट्टी के मुनाफे में कमी क्यों आई? स्प्रिट के दाम बढ़ गए हैं माई बाप, यही वजह है। स्प्रिट के दाम बढ़ गए हैं तो तुम दारू के दाम बढ़ा दो। माई बाप ने मना कर रखा है। अगर दारू की कीमत बढ़ा देंगे तो गरीब लोग पीना कम कर देंगे और जो चीज कम की जा सकती है वो छोड़ी भी जा सकती है। अच्छे धंधे की पॉलिसी ये है कि ग्राहक
बढ़ने चाहिए, घटने नहीं। रामलाल जी, माई बाप, तुम दारू बनाने के लिए स्पिरिट के साथ बैटरी का सारा पानी भी इस्तेमाल करना शुरू कर दो, लागत में कमी आ जाएगी और मुनाफा बढ़ जाएगा। मगर माई बाप, माई बाप, हम तो यही कहने जा रहे थे माई बाप कि अगर मिलावट में जरा भी गड़बड़ी हो गई तो लोगों की जाने जा सकती हैं। लोगों की जाने जाती हैं रामलाल, तो जाने दो, तुम अपनी जान की फिक्र करो। आहिस्ता संभल के। राम लक्ष्मण जान की, जय बोलो हनुमान की। भैया जी आ गए, लो भैया जी मुंह मीठा कर लो। ये किस खुशी में है? भैया जी हम हनुमान जी से मन्नत मांगे रहे, जो रोज आप अच्छे होकर अस्पताल से घर लौटेंगे तो हम 25 रुपए का लड्डू बांटेंगे। ये लो मुंह मीठा कर लो। भाई अर्जुन, तुम्हारी गाड़ी का कहीं पता नहीं चला। लगता है कि चोरी हो गई है। क्या है कि इस एरिया में जितने भी बेकार लोग हैं ना, सब कार चोर हो गए हैं। गाड़ी की नंबर प्लेट बदल देते हैं, रंग बदल देते हैं, यहाँ तक कि इंजन का नंबर घिस घिस कर उसको भी मिटा देते हैं। और रही तुम्हारी वो रंगीन बार में झगड़ा होने वाली रिपोर्ट, उसका ना तो कोई सबूत मिलता है और ना कोई गवाह। क्यों, बंसी जो है? बंसी? वो शराबी, उस पियक्कड़ की बात पर कौन विश्वास करेगा? साला दिन रात शराब के नशे में आउट रहता है। और इनके शरीर पर जो जख्मों के निशान है वो? एक्सक्यूज मी मैडम, अगर शराब के नशे में धूप होके ये कहीं गिर पड़े तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हरामखोर। साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तू उन लोगों की झूठी हड्डियां चबाता है, वो तेरी मुट्ठी गर्म करते हैं। मैं तेरे जैसे हरामखोरों की नस नस पहचानता हूं। तुझ जैसे कमीनों ने इस खाकी वर्दी की इज्जत खाक में मिला दी है। अर्जुन, अर्जुन, मिश्रा जी का कॉलर छोड़ो, मिश्रा जी का कॉलर छोड़ो। मिस्टर अर्जुन सिंह, मैं एक शरीफ आदमी हूं, अपनी बेइज्जती का बदला नहीं ले रहा, लेकिन इस वर्दी की इज्जत आपने मिट्टी में मिलाई है, मैंने नहीं, और इसीलिए सरकार ने आपसे यह वर्दी छीन ली है। तुम जो बात बात पर गुस्से में उबल जाते हो और अपने आप से बाहर हो जाते हो, यह और कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन। वर्दी उतर गई मगर दिमाग से वर्दी का भूत नहीं उतरा, रोब की आदत बरकरार है। अर्जुन, लानत भेजो इन लोगों पर, लेकिन इन कमीनों की खातिर तुम अपना खून मत जलाओ। अब जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं भूल कर जीने वालों में से नहीं हूं। कम ऑन, कम ऑन, बक अप। हिम्मत मत हारो अर्जुन, चलो।
लगता है तुझे हमारे हाथों से मरने का शौक है, इसीलिए फिर चला है। मैं इसलिए यहां आया हूं क्योंकि मुझे हिसाब में बराबरी पसंद है। तुम सब ने मिलकर अपनी मां का दूध उतना नहीं पिया होगा जितना इस कमीज पर मेरा खून बहा है। अब तुम्हारे खून में मां का दूध रहा नहीं, इसलिए तुम्हें छठी का दूध याद दिलाने चलाया हूं। इन लोगों का रास्ता काटने की भूल मत करना, ये लोग बहुत जालिम हैं। अगर तुम उनकी तरफ से मुझे धमकी देने आई हो तो बहुत बड़ी भूल कर रही हो। मैं किसी की तरफ से कुछ कहने सुनने नहीं आई हूँ, अपनी मर्जी से आई हूँ। क्यों? कभी कभी दिल किसी को अपना मान लेता है, जी चाहता है अपने आंसू अपनी मुस्कुराहट सब कुछ उस पर लुटा दे। तुम मुझे अच्छे लगे हो अर्जुन, अच्छे इंसान। सुनो, तुम ये पेशा क्यों करती हो? कोई मजबूरी है या? पता नहीं, मैं तो बहुत छोटी थी, बस इतना जानती हूं जिस आदमी के साथ साथ फेरे लिए उसी ने मुझे पैसों के खाते बेच दिया और मेरी मांग में बदनामी का जहर छोड़ दिया। ना तो मैं औरत बनकर जी सकी और ना ही पत्नी। अब मैं हूं और गांव में मेरे बूढ़े मां बाप,
जो कि महीने के हर पहली तारीख को मेरे मनी ऑर्डर का इंतजार करते हैं। बैठी रहो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। जानते उस हराम खोर अर्जुन सिंह ने मेरे बेटों को मार मार के उनकी खाल में भूसा भर दिया, और तुम हो कि मुंह में पान दबाए वर्दी पहने हाथ में डंडा घुमाते फिर रहे हो। अगर तुम्हारे रहते हुए लोग कानून अपने हाथ में लेने लगे तो फिर तुम्हारे होने न होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस हादसे के लिए बहुत शर्मिंदा हूं माई बाप, और आपसे माफी चाहता हूं। लेकिन माई बाप, एक बात का यकीन दिलाता हूं कि मैं उस कुत्ते को वो सबक सिखाऊंगा कि आइंदा वो आपसे आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत तक नहीं करेगा। फौरन कुछ करो मिश्रा, वरना मुझे तुम्हारी काबिलियत पर शक होने लगेगा। माई बाप, मुझे एक मौका और दीजिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, सिर्फ आखिरी एक मौका। भाई आज तुमने ये नहीं कहा कि मुझसे तो तुम्हारा अखबार अच्छा। कहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो कहने से फायदा क्या। हाँ, ये बात तो है। मिस्टर अर्जुन सिंह, हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं, ये रहा वारंट। क्या किया है मेरे बेटे ने? रंगीन बार में दंगा फसाद किया है और महेश हीरा के बेटों को जान से मारने की कोशिश। खबरदार शर्मा, अगर मेरे बेटे पे झूठा इल्जाम लगाया तो। आप इन पर नाराज मत होइए पिताजी, इन्होंने अपना जमीर पेश खाया है। अगर ये मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे तो जिनके पालतू कुत्ते हैं ना, वो सचमुच इन्हें कुत्तों की मौत मार देंगे। प्लीज कम, रो मत मां, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो चलो, कम ऑन। रो मत मां। मिश्रा, तुम्हारी बात सुनकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अर्जुन हमारे खिलाफ सिर्फ एक गवाह पेश कर सकता है, और वो है बंसी। बिल्कुल दुरुस्त, यानी कि हमें बंसी इस तरह तोड़कर फेंक देनी चाहिए कि फिर कभी बचे ही नहीं। अरे ये क्या हो गया, आंख में साबुन चला गया। तुम नहीं जानती कि इस आदमी का खामोश होना हमारे लिए कितना जरूरी था। अर्जुन सिंह वाले केस का यही तो एक चश्मदीद गवाह था जो हमारे खिलाफ मुंह खोल सकता था। हम किसी भी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ते। तुम्हारी बदकिस्मती है कि इसके कत्ल की तुम एक चश्मदीद गवाह। हमारे जिंदा रहने के लिए तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है। आने आए हम सो सारे हाँ तो मिस्टर अर्जुन सिंह, आप शराब पीते हैं? जी नहीं। अगर आप शराब नहीं पीते तो 15 अगस्त की रात को रंगीन बार में आप क्या करने गए थे? मैं उस आजादी का जश्न मनाने गया था जो हमें बसों के त्याग और बलिदान के बाद मिली है। पर इन खूबसूरत लफ्जों के जाल में मेरे सवाल को उलझाने की कोशिश मत कर। अदालत सिर्फ ये जानना चाहती है कि 15 अगस्त की रात को तुम रंगीन बार में क्यों और किस मकसद के साथ गए थे? मैं उस रात उन देशद्रोहियों से मिलने गया था जो शराफत की नकाब ओढ़कर इस देश की आजादी ही नहीं बल्कि सुख और शांति का गला भी घोंट रहे हैं। झूठ बोल रहे हो तुम। जो रोना, सच्चाई तो ये है कि 15 अगस्त की रात को मिस्टर अर्जुन सिंह
मेरे मौकिल महेश हीरा के वारिसों को कत्ल करने के इरादे से भाग गया। अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका तो इसने मेरे मौकिलों की यह हालत कर दी। काश ये सच होता या ऑनर, इतिहास गवाह है कि अर्जुन किसी युद्ध से नाकाम होकर नहीं लौटा। अगर मेरा इरादा इन्हें कत्ल करने का होता तो दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें मेरे प्रकोप से बचा नहीं सकती थी। लेकिन सच तो यह है ये ऑनर कि मैं इन्हें कत्ल करने नहीं बल्कि इनके जुल्म का जवाब देने गया था। इसका मतलब है तुम इकरार करते हो कि तुमने मेरे मौकिलों को जान से मारने की कोशिश की? नहीं योर ऑनर, कोशिश तो इन लोगों ने मुझे जान से मार देने की थी और इसका जीता जागता सबूत मेरे सीने में मौजूद है। योर ऑनर, ये लोग तो मेरी जान ही ले लेना चाहते थे लेकिन शायद इनकी तलवारों का लोहा इतना सख्त नहीं था जो मेरे सीने के पार उतर जाता। श्योर ऑनर, ये एक मनगढ़ंत कहानी है। मिस्टर अर्जुन सिंह मेरे मौकलों के ऊपर दूसरों के कारनामे थोप देना चाहते हैं। अगर ये हरकत मेरे मौकलों की है तो मिस्टर अर्जुन सिंह के पास इस बात का क्या सबूत है? सबूत है योर ऑनर, और उसे अदालत में पेश करने की मैं इजाजत चाहता हूं। इजाजत है? ये किसकी लाश है? योर ऑनर, ये लाश मेरे दोस्त बंसी की है जो उस रात रंगीन बार में मेरे साथ था और इस वाकये का चश्मदीद गवाह था। इस बेकसूर को मौत के घाट इसलिए उतार दिया गया ताकि अदालत में उन लोगों के खिलाफ सबूत न दे सके। योर ऑनर, ये लाश बंसी की नहीं, इंसाफ और कानून का जनाजा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हर चौराहे पर मौत की दुकानें खोल रखी हैं। ये वो लोग हैं जो सरेआम शराब ही नहीं बेचते, हर मोड़ हर मंडी पर मासूम लड़कियों को नीलाम करवाते हैं। योर ऑनर, अफसोस इस बात का नहीं कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, अफसोस इस बात का है कि वो लोग जिनके कंधों पर इंसाफ और कानून की इमारतें खड़ी हैं उनके अपने ही पैर पाप के दलदल में धंसे हुए हैं। योर ऑनर, इन सरमायेदारों ने कानून की हैसियत उस अंधे भिखारी की तरह बना दी है जिसे अपना पेट भरने के लिए सबूत की रोटियां चाहिए। फिर क्यों ना वो पाप के आटे से बनी हो और गुनाह की भट्टी में पकी हो। इस बात का फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं योर ऑनर। आज आपको यह ऐलान करना ही होगा कि कानून की आंखों पर पट्टी जरूर बंधी है लेकिन हकीकत में वो अंधा नहीं है। अर्जुन सिंह के बयान और हालात की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रंगीन बार में हुए हादसे के लिए सिर्फ अर्जुन सिंह को ही जिम्मेदार ठहराना नाइंसाफी होगी। लिहाजा ये अदालत इस मुकदमे को खारिज करते हुए अर्जुन सिंह को बाइज्जत बरी करती है। अरे साहब, वहां नो पार्किंग है। भाई मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, इसे यहाँ पार्क कर रहा हूँ, अभी पेट्रोल लेके आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। मिश्रा जी, जरा उस तरफ देखिए। क्यों? क्योंकि नो पार्किंग के बोर्ड के नीचे जो गाड़ी पार्क है ये उस आदमी की गाड़ी है जिसका भविष्य यानी के फ्यूचर बिल्कुल ही डार्क है, यानी के काला है। तुम्हारा मतलब है कि यह गाड़ी अर्जुन साहब की है? तो आप भी दुर्योधन बनकर कोई चमत्कार दिखाइए ना। तो चलो चलो, चलो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। ये गाड़ी क्यों खड़ी है यहाँ पर?
उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था। तो क्या हुआ? जहाँ नो पार्किंग का बोर्ड होता है वहाँ गाड़ी नहीं खड़ी की जाती, इतना भी नहीं जानते है? सॉरी सर। गाड़ी लॉक है। ये क्या हरकत है? मेरी गाड़ी का कांच ही तोड़ा। क्योंकि आपकी तरह आपकी गाड़ी भी गलत जगह पर रुकी हुई है। नो पार्किंग का बोर्ड नहीं देखा था आपने? मैं इस कांस्टेबल से बोल के गया था कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, इसलिए यहाँ पार्क किया है। कानून ये सब कुछ नहीं जानता। गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए या इंजन बंद हो जाए, जहाँ नो पार्किंग का बोर्ड होता है वहां गाड़ी नहीं खड़ी की जाती। कुछ समझे आप? तुमने मेरी गाड़ी का शीशा क्यों तोड़ा? अभी अभी आपने मुझे कानून समझाया था कि लॉ इज लॉ, जहां नो पार्किंग का बोर्ड हो वहां कोई भी गाड़ी पार्क नहीं कर सकता, शरीफ इंसान हो या बेईमान पुलिस अफसर। समझे आप? चलते हैं। कहाँ? कहीं भी। अब हम ऐसी जगह नहीं रहेंगे जहाँ हर घड़ी तेरी जान का खतरा हो। तुम्हारा मतलब है माँ कि हम यहाँ से बुजदिलों की तरह मुंह छुपाकर भाग जाएं? इसमें मुंह छुपाने की क्या बात है अर्जुन? जानबूझकर सांप के बिल में हाथ डालना कोई बहादुरी तो नहीं है? और जानबूझकर सांप का बिल खुला छोड़ देने में भी तो कोई समझदारी नहीं है। आज तक तेरी सच्चाई ने, तेरे उसूलों ने तुझे दिया ही क्या है? अपनी ईमानदारी की खातिर तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा है, अब इन पाप के व्यापारों से टक्कर लेकर तू चाहता क्या है? तेरे बूढ़े माँ बाप रो रो कर अपनी जान दे दे। अर्जुन, तुम्हारी बात ठीक कह रही, हम यहाँ नहीं रहेंगे। और वैसे भी अब ये जगह शरीफों के रहने के लायक रही नहीं। हम ये जमीन जायदाद बेचकर कहीं और चले जाएंगे। नहीं पिताजी, हम पेट थिकाकर मैदान से नहीं भागेंगे, और महेश हीरा जैसे कुत्तों के डर से तो हरगिज नहीं। ये मिट्टी हमारी है, हमारे बुजुर्गों की निशानी है, क्या हम इसे उन पापियों के हवाले करके चले जाएंगे? जरा सोचिए, बुराई मिटानी है तो किसी ना किसी को कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। अगर हम सभी अपनी जानों की परवाह करेंगे और खुदगर्ज बनकर सोचेंगे तो पाप का सर दिन ब दिन ऊंचा होता चला जाएगा, और मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा।
मैं इस मिट्टी से, इस जमीन से, इस शहर से बहुत प्यार करता हूं पिताजी। ठीक रहो बेटे, शाबाश। अगर तुझ जैसे 5-10 अर्जुन और पैदा हो जाएं, तो इस देश में पाप का सर हमेशा के लिए कट जाए। मैं नहीं जानती थी अर्जुन कि मेरी कोख से तू जैसा बुराई मिटाने वाला महादेव जन्म ले सकता है। मुझे गर्व है बेटे कि मैं तेरी मां हूं। आपने मुझे याद किया माई बाप। शर्मा, तुमने जिंदगी में कभी इतना नहीं कमाया होगा जितना हम तुम्हें आज दे रहे हैं। इसके लिए मुझे क्या करना होगा माय बाप? अदालत में अर्जुन सिंह को मिश्रा की मौत का जिम्मेदार ठहराना होगा। बस इतने से काम के लिए इतनी सारी रकम? शुक्रिया माय बाप, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने रुपए से तो आप मेरा होंठ जैसे चाहे खुलवा सकते हैं, जो चाहे बनवा सकते हैं। माय बाप, मैं अदालत में वही बोलूंगा जो आप चाहते हैं, वही बोलूंगा। योर ऑनर, अभी अभी मैंने आपके सामने कसम खाई है कि मैं जो कुछ कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। और सच यह है योर ऑनर कि मिश्रा की मौत का कारण यही अर्जुन सिंह है। यस योर ऑनर, यही अर्जुन सिंह मिश्रा की मौत का कारण इसलिए है क्योंकि मिश्रा न्याय थी थर्ड क्लास और घटिया किस्म का आदमी था। और ये अर्जुन सिंह एक शरीफ और सच आदमी। योर ऑनर, अगर एक नेक दिल आदमी नहीं होता तो इसकी मौत अब तक एक बार नहीं दो बार हो चुकी होती। यस योर ऑनर, दो बार। पहली बार तब जब गुंडागर्दी के इन शहजादों ने इसका जिस्म काट कर इसे रात के अंधेरे में मरने के लिए फेंक दिया, और दूसरी बार तब जब मैं मिश्रा के साथ उसकी गाड़ी में था और मिश्रा ने इसकी जान लेने की कोशिश की। लेकिन कुदरत का इंसाफ देखिए, मिश्रा की मौत उस वक्त हुई जब वो अर्जुन सिंह को जान से मार देना चाहता था। फिर भी इस देवता का बड़ापन देखिए कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए इसने मिश्रा और मुझे बचाने की कोशिश की। मैं शायद इसलिए बच गया ऑनर क्योंकि मुझे सबके सामने इस अदालत में इस देवता के ऊपर लगाए गए झूठे इल्जामों के खिलाफ गवाही देनी थी। मिश्रा इसलिए मर गया क्योंकि वो मुझसे भी बड़ा पापी था। योर ऑनर, मिश्रा के साथ उसके हर जुर्म में मैं शरीक था। इसके लिए आप मुझे जो सजा देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हाथ जोड़कर आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मुझे इस फरिश्ते से सबके सामने इस अदालत में माफी मांगने का मौका दिया जाए। प्लीज योर ऑनर। अर्जुन, तूने आज के न्यूज़पेपर पढ़ा? तेरी भेजी हुई सीक्रेट रिपोर्ट पर अमल करके सीबीआई ने चीफ मिनिस्टर के लड़के को रंगे हाथों स्मगलिंग करते हुए पकड़ लिया। चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर गया और होम मिनिस्टर गुजाईलाल नया चीफ मिनिस्टर बन गया। ये देख भैया जी, भैया जी, आपके लिए जरूरी फोन है। भैया जी, आपका फोन। तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? अरे भैया जी, हम जैसे छोटे आदमी के हाथ में चीफ मिनिस्टर जैसे बड़े आदमी का फोन होगा, हाथ तो कांपेंगे।
हेलो अर्जुन सिंह भाई, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। हमने आईजीपी को आदेश दे दिया है कि वो तुम्हारा इस्तीफा नामंजूर कर दे और तुम्हें फॉरन ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश दे दे। अरे भाई, हमने तुम्हें इतनी अच्छी खबर सुनाई है और तुम कुछ बोले नहीं। क्या बोलूं सर, कितना आसान होता है आप लोगों के लिए ऑर्डर पास कर देना। चित को पट और पट को चित कर देना, लेकिन जो उस दौर से गुजरता है उसके दिल से पूछिए, उसका जिस्म उसकी आत्मा छलनी हो जाती है। वो अपने आदर्श अपने असूलों की लाश देख देख कर चुपचाप रोता है, उसकी आंखों से आंसू नहीं खून टपकता है, खून। अर्जुन सिंह, तुम्हारे साथ जो नाइंसाफी हुई है उसके लिए हमें बेहद अफसोस है। बदले में तुम जो कुछ चाहो हम तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर से ड्यूटी ज्वाइन करूं तो मेरी पोस्टिंग यहीं बलरामपुर में कर दी जाए। ठीक है, और कुछ? कुछ नहीं सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। मैं तुम्हारा ऑफिसर जरूर हूं मगर मुझे अपना दोस्त अपना हमदर्द समझो। हाँ, अगर मुझे पता चला कि तुम में से कोई भी रिश्वत खाता हो या उन लोगों से मिला हो जिन्होंने इस शहर को नर्क की फट्टी बना दिया है तो मैं उसकी हड्डियों का शोरबा बनाकर महेश हीरा के पूरे खानदान को पिला दूंगा। ये सरकार हमें चैन से जीने क्यों नहीं देती? इन्हें मिश्रा जैसा कोई मिलनसार आदमी नहीं मिला था जो अर्जुन सिंह जैसे अक्खड़ आदमी को यहां का एसपी बना दिया? लेकिन डैड, मैं कह रहा था कि डर का है का अब डर का है का डर का है का अब डर का।
मेरा ग्लास दे, देना दे दूंगा, मगर पहले यह बताओ कि तुम्हें शराब की लत कैसे लगी। बताता हूं, बताता हूं। बस पहले एक एक घूंट तो क्या, एक बूंद भी नहीं। मैंने तुमसे कितनी बार पूछा है, मगर तुम हमेशा शराब पीकर अपना होश खो बैठे। आज मैं तुम्हें तब तक शराब नहीं पीने दूंगा जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि शराब से नफरत करने वाला आदमी इस कदर शराबी कैसे बन गया। क्यों तुम? ये उन दिनों की बात है जब महेश रे ने यहाँ आकर शराब खाने, चूहे खाने औरतों के अड्डे शुरू किए थे। मैंने अपने अखबार में उसके काले काले चिट्ठों को छापना शुरू कर दिया। उसने मुझे खरीदना चाहा, मैंने बिकने से इनकार कर दिया। यहां तक कि मैंने शहर में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों के बीच में नई चेतना जगा दी। भाइयों, जुल्म के खिलाफ आप लोगों को इकट्ठा देखकर मुझे बेहद खुशी हुई है। जिस शहर की संस्कृति, जिसकी परंपरा, जिसकी तहजीब पर हमें नाज था, आज उसी शहर की पवित्र मिट्टी पर कुछ स्वार्थी और भ्रष्टाचारी लोग हवस के जहरीले पौधे उगाने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजा यह होगा कि एक दिन न सिर्फ हमारी मौजूदा पीढ़ी बल्कि हमारी आने वाली तमाम पीढ़ियां आपकी अंधेरी गलियों में गुमराह होकर भटक भटक कर मर जाएं। दोस्तों, हम महेश हीरा को 24 घंटे की मोहलत देते हैं, चेतावनी देते हैं कि या तो वो खुद अपने अड्डों को ताला लगा दे, नहीं तो कल सुबह हम तमाम शहरवासी मिलकर एक मोर्चा निकालेंगे और कल शाम तक इसके तमाम अड्डों को तहस नहस कर देंगे, नामो निशान मिटा देंगे। एडिटर किशन भारती जिंदाबाद, किशन भारती जिंदाबाद, एसपी मिश्रा जिंदाबाद, एसपी मिश्रा जिंदाबाद, महेश हीरा 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 काम हो गया। चाय पी लीजिए राजा साहब। देखिए रानी साहिबा, ये रजवाड़े रहे होंगे आपके ससुराल वाले। आपका पति ठहरा मजदूर, एक छोटा सा अखबार निकालने वाला अखबार नवीस, एडिटर किशन सिंह भारती। हाँ, मगर आपके लिए सिर्फ किशन ही है। आजकल भाषण देने का बड़ा शौक चढ़ गया आपको। ये आपका घर है एडिटर साहब। हाँ, हाँ, हाँ। और मैं आपकी पत्नी हूँ, और ये हमारी प्यारी सी बच्ची है जिसे हम दोनों बहुत प्यार करते हैं। हाँ राजा, हम भी आपको बहुत बहुत प्यार करते हैं। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ राधा, आज हम बहुत खुश हैं। हाँ? मालूम है, आज सारा शहर भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हो गया। कल के मोर्चे में सारा शहर एक साथ होगा। हाँ? हम भी आपके साथ इस मोर्चे पे जरूर चलेंगे, चले ना। राधा।
छेड़ दी है। तुम लोग इससे कानून का भी हाथ मत। बच्ची को मत कुछ कहो, नहीं मेरी मासूम बच्ची को छोड़ दो, मेरी नहीं, नहीं, नहीं। हम तुझे इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि कल सुबह तू अपना मोर्चा निकाल सके और हम उसका नजारा देख सके। बंद करो, शराब खाना तो बंद नहीं हुआ इसलिए तेरा यह मोर्चा तो बेकार हो गया। अब तू एक काम कर, शराब पी के शराब के लिए मोर्चा निकाल, वरना तेरे इस मोर्चे की तरह तेरे बीवी बच्चों की मौत बेकार हो जाएगी। होश हो जाए, होश हो जाए, होश हो जाए।
मैं मालूम ही नहीं था कि शराब पीकर सब सब कुछ गुम हो जाता है, सब कुछ गुम हो जाता है, आदमी जानवर बन जाता है। ए, सुनती हो, मैं तुम्हारी मौत और बच्ची की मौत को भुलाकर इन नियमतों के और बुजुर्गों के साथ और इन दरिंदों के बीच मैं जिंदा रह सकता हूँ। सुनो तुमने राधा, राधा सुनो, मैं राधा, मैं लाशों के बीच में, मैं लाशों के बीच में जिंदा रह सकता हूँ राधा, मैं लाशों के बीच में, इन तमाम लाशों के बीच, इन तमाम जिंदा लाशों के बीच। मैं शराब पी गए, मैं शराब पी गए, मैं जिंदा रह सकता हूँ। किशन, जो जंग तूने शुरू की थी उसे मैं पूरा करूंगा, मैं लड़ूंगा, उन अड्डों का नामो निशान मिटा दूंगा। अगर तू शराब पीना छोड़ दे मेरे यार, जिस दिन तू ये जंग जीत जाएगा ना, मैं वादा करता हूँ मैं शराब पीना छोड़ दूंगा, शराब पीना छोड़ दूंगा मेरे भाई। आज रात हम अलग अलग टोलियां बनाकर महेश हीरा के तमाम अड्डों पर एक साथ छापा मारेंगे। यहां तो कोई भी लड़की नहीं है सर। अर्जुन, क्या बात है, आज सुबह सुबह इतने परेशान दिख रहे हो। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे डिपार्टमेंट के किसी आदमी ने हमारे छापा मारने की खबर हमारे वहां पहुंचने से पहले उन तक पहुंचा दी थी। तुम्हें किसी पर शक है? फिलहाल तो किसी पर नहीं, पर मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगा। कैसे? मेरा भी एक इन्फॉर्मर उनके ग्रुप में है। कौन है वो? सॉरी, ऑफिस सीक्रेट। वाह वाह वाह, ये भी खूब है। हटो, दफ्तर की बातें घर में करते हो तो वो कुछ भी नहीं, और मैं जरा सी बात पूछती हूँ तो उसे छुपाने के लिए कहते हो ऑफिस सीक्रेट। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, आइंदा तुमसे दफ्तर की बात करूंगा ही नहीं। नहीं, नहीं नहीं, वैसे भी तुम दफ्तर की बातें सुन सुन कर बोर हो जाती होगी, सोचती होगी कैसे बोर मियां से पाला पड़ा है। नहीं नहीं अर्जुन, मैं ऐसा नहीं सोचती, मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती, बल्कि मैं तो खुश होती हूँ कि तुम मुझे अपनी पत्नी ही नहीं अपना दोस्त भी समझते हो। सच? अब बताओ ना ऑफिस सीक्रेट प्लीज। यू रास्कल।
हेलो, हाँ स्पीकिंग। ओह माय गॉड, हाँ मैं फौरन आता हूँ। क्या हुआ? जहरीली शराब पीकर 30 आदमी मर गए। सर पता चला है कि मरने वालों ने रामलाल की भतीजी की शराब पी थी। वो तमाम लाशें हैं सर, इस तरफ पड़ी हुई सकता मुझे आपके आने की कितनी खुशी है। महेश हीरा, क्या तुम्हारा ही नाम है? जी हाँ, मुझे नाचीज को ही लोग बाग माए बाप कहकर बुलाते हैं। क्यों, क्या लोगों को तुम्हारा नाम इस कदर गंदा लगता है कि वो उसे अपनी जबान तक पर लाना पसंद नहीं करते? Yeah.
ऐसे लोग पसंद तो बहुत है मगर बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। मेरे भतीजे, एक मिनट महेश हीरा, मुझे भी मालूम है कि तुम निहायत लालची, निहायत लुच्चे और निहायत लिचड़ आदमी हो। मुझे ऐसे लोग न पसंद हैं और ना ही बर्दाश्त होते हैं। अब बोलो क्या बक रहे थे? शायद पर्दे की गर्मी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए तुम्हारे दिमाग पर चढ़ गई है। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है अर्जुन सिंह। मैं चीखता भी हूं ना तो उसकी आवाज तक सुनाई देती है। आज के दौर में बैठे हुए लोग जनता के नुमाइंदों से ज्यादा कुछ नहीं। अगर उनमें से किसी ने भी, चाहे वो सबसे बड़ा मंत्री क्यों ना हो, तुझ जैसे समाज के दुश्मन का साथ दिया तो जनता उसका मुंह काला करके कुर्सी से उतार फेंकेगी। किस जनता की बात कर रहे हो तुम? हाँ, जानते हो इसी शहर में मैंने तुम्हारे दोस्त किशन की क्या कट बनाई थी और किसी के मुंह से चू तक नहीं निकली थी। सबके सब ना मर्दों की तरह अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ गए थे। इससे पहले कि मैं तुम्हारी भी वही कट बनाऊं, या तो तुम मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दो, मैं उस हाथ को सोने चांदी हीरे जवाहरात से भर दूंगा, या फिर यहां से अपना ट्रांसफर करवा लो। महेश हीरा, तेरी ये गीदड़ भपकियां उन पे असर कर सकती हैं जिनके जिस्म जिंदा हैं मगर जहन मर चुके हैं। मैं सर पे कफन बांध के आजादी के सरफरोश दीवानों की तरह इस शहर को तेरे चुंगल से आजाद कराने निकला हूं, और मैं किशन की कसम खा के कहता हूं कि शहर के चेहरे पे तेरे लगाए हुए तमाम बदनुमा दाग मिटाकर साफ कर दूंगा। आज हम फिर शहर के तमाम अड्डों पर छापा मारेंगे, और अब की बार अलग अलग नहीं, सिर्फ दो टोलियों में। एक टोली मेरी होगी और दूसरी शर्मा की। सबको पकड़ लिया है सर, और सर पट्टी के चारों तरफ डायनामाइट बिछा दिया है सर। अशोक। यस सर। तुमने ये डायनामाइट जो बिछाया है जी, इससे ये भट्टी तो उड़ जाएगी। यस सर।
मगर यहाँ कोई इंसान रह गया हो उसका क्या हश्र होगा? सर, सर उसके तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे सर। अब ये बताओ सर कि तुम कानून के आदमी हो या मुजरिम के? सर सर मैं तो हिलना नहीं, बताओ। मैं तो कानून का आदमी हूँ सर। कानून तो गद्दारों की सिर्फ वर्दी उतारता है, मगर मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा, वो हशर करूंगा। सच बता, क्या तू ही वो आस्तीन का सांप नहीं है जो हमारे आस्तीन पर बैठकर हमारे सीने में डंक मार रहा है? बता, वरना अगला धमाका तेरे पैरों के नीचे होगा और तू आसमान पर। नहीं, 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 नहीं सर, नहीं सर, मैं सर, मुझे माफ कर देना सर। गिरफ्तार कर लो इस गद्दार को। औरतों की दलाली करता है? कर लो सबको। तेरा वक्त पूरा हो गया, तू अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा अर्जुन सिंह। तूने मेरे बेटे को नहीं मारा, उसने अपनी मौत को दावत दी है। अब मैं उसके पूरे खानदान को खत्म करके अपने एक बेटे की मौत का बदला लूंगा, बदला लूंगा। जाओ जाओ, उसके घर को जलाकर खाक कर दो, जाओ।
तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तुमने हम सबकी जान बचाई, वो भी अपनी जान पर खेलकर। हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकते। प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। सीधी सी बात है कि हम में से कोई एक भेदिया है जो हमारी खबरें उन तक पहुंचाता है, वरना हमारे आदमी के पहुंचने से पहले फायर ब्रिगेड मौजूद नहीं होती, वरना शोक जिसके बारे में मिश्रा तक को मालूम नहीं, अर्जुन को कैसे पता चला कि वो हमारा आदमी है? कौन कौन है वो भेड़िया? इडियट, तुझे उस लड़की के साथ रात गुजारनी है तो गुजार, मगर अपने राज क्यों खोलता है? क्यों? बेटा, अब तुम्हारा यहां रहना खतरे से खाली नहीं। मैं कल सुबह ही तुम्हें तुम्हारे मां बाप के पास भेजने का बंदोबस्त करता हूं। जी। तुम? हाँ, मैं। लेकिन आज मुझे यहां पर देखकर चौंक क्यों गई? मैंने तो यहां पर बहुत रातें गुजारी है। तू उस पुलिस वाले तक हमारी खबरें पहुंचाती रही? हां, मेरा खाती रही और हिसाब बहा देती रही। तेरे इस हरामीपन की ऐसी सजा दूंगा कि चील कौवे भी तेरे लाश को नहीं नोचेंगे। Ah!
रीता, ये कुछ रुपए हैं सरकार की तरफ से। तुमने अपनी जान की परवाह न करके पुलिस की मदद की थी, ये उसी का इनाम है। मगर मैंने पुलिस की नहीं, तुम्हारी मदद की थी। जानते हो क्यों अर्जुन? जानता हूं, इन्हें रख लो, काम आएंगे। इन्हें मैं बहुत संभाल के रखूंगी। जानती नहीं थी कि शर्मिंदा हुए बगैर भी पैसे कमाए जा सकते हैं। पता नहीं जिंदगी में फिर कभी मुलाकात होना हो। बस जाने से पहले एक बात कहने की इजाजत दे दो। ना कहो तो अच्छा हुआ। तुम्हारी बीवी बड़ी किस्मत वाली है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि अगले किसी जन्म में तुम्हारी बीवी की किस्मत लेके जन्म लो। गाड़ी आ गई। से जीने नहीं दूंगा, कभी नहीं। अर्जुन, अर्जुन, चलो चलो जल्दी से उठो, चाय पियो और नहा धो के तैयार हो जाओ। चलो। क्यों क्यों? अरे 8 बजे मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है और तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। चलो जल्दी से पियो। साथ तो मैं तुम्हारे चला जाऊंगा, पर तुम्हें डॉक्टर की क्या जरूरत पड़ गई? अच्छी खासी तंदुरुस्त हो, खूबसूरत लग रही हो। हाँ, शादी तो हो गई मगर वही बुद्धू के बुद्धू रहे। वो तो हर मर्द हो जाता है शादी के बाद। तुम्हारा मतलब है कहीं माँ को बताया? नहीं। क्यों? मुझे शर्म आती है। अरे तेरी शर्म पे तो वारी जाओ। नहीं माँ जी, हम सच कहते हैं। आप ही ने कद्दू लाने के लिए कहा था। मोहन, तू झूठ बोल रहा है। हमारे यहाँ किसी को कद्दू पसंद नहीं। तुम्हें शौक है इसलिए हर रोज कद्दू लेकर आते हो। आहिस्ता आहिस्ता, जल्दी क्या है? अरे तुम लोग सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? जवाब दो माँ की बात का। माँ जी, मैं नहीं नहीं, हम दोनों यूं ही जरा घूमने जा रहे हैं डॉक्टर के पास। नहीं, डॉक्टर के पास घूमने जा रहे हैं? सुबह सुबह डॉक्टर के पास घूमने? पद्मा, तुम इतनी सी बात नहीं समझती। भाई हमारे एसपी साहब जो इतने मसरूफ रहते हैं कि उनके पास दम लेने की फुर्सत नहीं। जब अपनी पत्नी को घुमाने ले जा रहे हैं और वो भी डॉक्टर के पास, तो इसका मतलब क्या हुआ? यही कि बाबूजी दादा बनने वाले हैं और माँ जी बनेगी दादी और हम बनेंगे घोड़ा। जल्दी इस घर में तुतली दुबान के शहनाई गूंजने वाली है। गीता, तुम्हें बेटी चाहिए या बेटा? बेटा, वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा। बिल्कुल मेरे जैसा क्यों? क्योंकि तुम इतने प्यारे जो हो। गीता, गीता, गीता,
गीता पहुंची हो और मैं तो आज साक्षात यमदूत बनकर आया हूं। मैं महाभारत के अर्जुन की नहीं अपने दोस्त अर्जुन की कसम खाकर कहता हूं कि मैं तुम पसंदा नहीं छोड़ूंगा। भाग रहे तो कुत्तो उल्लू के पट्टे। अपने दोस्त की जगह अगर महाभारत के अर्जुन की कसम खा ली होती तो तू झूठी कसम खाने से बच जाता। अब हम तो बच गए मगर तू यमदूत बनकर भी कुत्ते की मात मारा जाएगा। कुत्ते की We'll be right back.
अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह, मुझे बचा लो, मुझे मौत के मुंह से बचा लो अर्जुन सिंह। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझे बचा लो अर्जुन सिंह। मैं जगह छोड़कर चला जाऊंगा, मैं सारी सारी जमीन जायदाद सब इन गांव वालों के नाम कर दूंगा। मुझे बचा लो अर्जुन सिंह, मुझे बचा लो। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ अर्जुन सिंह, ये गांव वाले मुझे मार डालेंगे। अर्जुन सिंह मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो अर्जुन सिंह, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो अर्जुन सिंह। किस किस से माफी मांगोगे, कौन कौन से गुनाहों की माफी चाहोगे? नहीं महेशीरा, तूने इन मजलूमों पर जो जुल्म किए हैं आज उन सबका हिसाब इन्हें देना होगा। हाँ। तुम आ गए अर्जुन बेटे,